सालों के अनुसंधान और हजार वर्ष पुराने आयुर्वेद विज्ञान की मदद से आचार्य मनीष जी ने दिव्य किट का निर्माण किया है। दिव्य किट यानी पूरे शरीर के शुद्धिकरण का एक कंप्लीट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। दिव्य किट की अपार सफलता से प्रभावित होकर बॉलीवुड के हीमैन कहे जाने वाले सुपरस्टार धर्मेंद्र जी ने दिव्य किट की विशेषताओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी पाने के लिए आचार्य मनीष जी से की एक खास मुलाकात। दिव्य किट एक फॉर्मूला है, हमारी संस्था में एक पूरी किट है जिसमें टोटल 6 चीजें हैं। अलौकिक शक्ति है, दिव्य शक्ति है, परम शुद्धि टैबलेट है, और इसमें सीडी है एक्सरसाइज की, और एक पुस्तक है पूरी नॉलेज की, हमारी संस्कृति को सिखाने की। मतलब पूरा एक ऐसा सिस्टम है, इसको कह सकते हैं हेल्थ की चाबी। मैं मनीष, मैं आज गाजियाबाद है, 23/9/2017 को गाजियाबाद आया हुआ था, तो मेरी एक पेशेंट से मुलाकात हुई, मालती सिंह जी। उम्र कितनी आपकी? 50 साल। तो मैं एक बार इनकी स्टोरी यही बताएंगी, इनको क्या तकलीफ हुई थी और क्या इनका गलत ट्रीटमेंट होने की वजह से इनको क्या दिक्कत आई, आप लोगों को बचाने के लिए मैं एक बार इनका एक इंटरव्यू आपको दिखा रहा हूँ। मैडम बताओ जरा एक बार दर्शकों को, आगे करते शुगर कम है, इसके इलाज करने लगा। दिखाओ एक बार अपने हाथ, ऐसे करो, ये देखो इनके हाथ की उंगलियाँ काटनी पड़ गई गैंग्रीन की वजह से, क्योंकि इनको शुगर बढ़ाने की दवाई देती। ऐसे इनके हाथ भी नहीं है और इनके पैर भी कटे हुए हैं। तो लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि इनको किसी ने गाइड नहीं किया कि ऐसी बीमारी में क्या खाना होता है, क्या नहीं खाना होता, क्या ज़्यादा खाना होता है, क्या कम खाना होता है। तो मैं सभी दर्शकों से बोलूँगा, जब भी कभी बुखार हो, जॉन्डिस हो, निमोनिया हो, लंबा बुखार हो, चिकनगुनिया हो, मलेरिया हो, कभी भी दूध और दूध की बनी चीज़ें बिल्कुल मत लिया करो उस टाइम पे, प्रोटीन मत खाया करो, बिल्कुल हल्का खाना खाया करो, क्योंकि उस टाइम शरीर का लीवर कमज़ोर होता है, वरना इस तरह पेशेंट को दिक्कत आ जाती है। अब इसके बाद इनको उस टाइम शुगर बढ़ाने की दवाई दी थी, अब इनको शुगर हो ही गई, अभी पिछले कुछ टाइम से हमारे यहाँ से दवाई खा रही है, अभी हमारे यहाँ से दवाई खाई आपने, क्या फायदा हुआ आपको उसका? शुगर कंट्रोल है, शुगर कंट्रोल है, पहले से चुस्ती फुर्ती बढ़ी है। हाँ। तो आपने इस पेशेंट की कंडीशन देखी, अब आपको खुद समझना है कि आपको कहाँ जाना है। तो हमारी तो एक राय है कि जब भी आपको कोई गंभीर बीमारी हो तो एक बात किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से जरूर राय करो कि मेरी बीमारी क्या है, क्या जड़ से उसका इलाज संभव है, वरना आपको भी इस तरह कभी अपना कभी ना कभी अपने हाथ पैर खोने पड़ सकते हैं और दिक्कत आ सकती है। धन्यवाद। हमको घुटने का प्रॉब्लम था और डायबिटीज है, उसके बाद में मैंने मनीष जी का कार्यक्रम देखा टीवी पे, फिर मैंने मंगाया एक बार, फिर उससे मेरे को आराम गिरा, तो मैं वापस दोबारा मंगाया, उससे बहुत आराम गिरा। सबने ये दिव्य किट अपनाना होता है, वो अच्छा है। और मेरा जो सोरासिस था वो कम से कम 3 साल से था, दिव्य किट में टीवी में देखा, उसके बाद में मैंने दिव्य किट का दवा लिया, 3 महीने के अंदर मेरा 90% सोरासिस ठीक हो गए। मेरा नाम अंजना भाई है, दिव्य किट लेती हूँ मैं 6 महीने से, मेरे को बहुत प्रॉब्लम था घुटने में, पेट में और सर में दर्द था, हाथों में भी दर्द होता था, मगर जब से दिव्य किट ले रही हूँ बहुत अच्छा लग रहा है, तबीयत भी बहुत सुधार आ गई है मेरा। I am Dr. Qureshi from Bhiwandi। जहाँ पर भी मैं कोई फ्राई चीज़ खाऊँ या बेसन की कोई चीज़ या तो कोई स्पाइसी चीज़ खाऊँ तो I used to get lot of pain, nausea, vomiting और मुझे लूज मोशन शुरू हो जाते थे। तो मैंने एक बार टीवी पे इनका मनीष सर का दिव्य किट के बारे में देखा, लेने के बाद विद इन 25 days ऑफ टाइम 50% रिलीफ मुझे मिला है। और गैस्ट्रिक अपसेट्स के लिए दिव्य उपचार से कोई अच्छी कोई चीज़ नहीं। ओम नमो गुरुदेव, मेरा नाम विजय नितिन शिंदे है और मैं पूना से हूँ। सर्वाइकल का पेन हुआ था, कमर के नीचे दोनों पैरों में बहुत सारा दर्द था, तो उनके हिसाब से और टीवी को देख के मुझे वो अच्छा लगा और मैंने 2016 दिसंबर में वो किट मंगवाया और मैंने पूरी 42 डेज उसको खाया, परहेज किया और 2 बजे चाय भी मैंने पूरी तरह से छोड़ दी, रात का खाना भी छोड़ दिया और सीढ़ी देखी, उसके हिसाब से मैंने योगा भी स्टार्ट किया, तो उन सब चीज़ों से मुझे इतना आराम मिला कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गई। मतलब मेरा 43 रनिंग है तो मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं एकदम पूरी तरह से ठीक हो गई, और जैसे 20 और 21 के जैसे यंगस्टर को जैसे फील होता है अपनी बॉडी में, वैसे मुझे अच्छा लगने लगा, तो मुझे उस मेडिसिन से काफ़ी मुझे राहत मिली। और मैं अपने देशवासियों से यही विनती करूँगी कि आप दिव्या उपचार संस्था में आइए, यहाँ की मेडिसिन आप एक बार ट्राई कीजिए, आपको काफ़ी राहत मिलेगी, आपको यहाँ पे पूरा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और ये औषधि सचमुच में एक दिव्य औषधि है, आप कृपा करके इसका लाभ उठाइए। मेरा नाम अब्दुल गफार नियाजी है जी। मेरे वाइफ को प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, पेशाब बहुत ज़्यादा हो रहा था,
और पेशाब में कमी है, सूजन बहुत ज़्यादा था, सूजन में भी कमी है। एक महीने में देशवासियों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि वो अंग्रेजी दवा बिल्कुल ना खाएं, आकर के दीप पीठ से दवा दिखा करके अपना मरीज और दवा ले जाएं। नीलम गुप्ता गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मेरे साइड का पेन था, गैस भी थी, एसिडिटी बहुत थी, लेकिन जब से मैंने मरीज जी के दीप पीठ लिए तो मुझे काफ़ी आराम है, मैं ठीक हूँ काफ़ी। बहुत दिन से गैस बन रहा था और सीने में जलन हो रही थी, तो टीवी में प्रोग्राम मैं देखा, उसके बाद मैं यहाँ चंडीगढ़ के जीरकपुर के हेड ऑफिस में आया और यहाँ से दिव्या किट लेके गया। लेके जाने के बाद 15-16 साल से मेरा जो भी बीमारी था पेट और सीने का, अभी 70-80% ठीक लग रहा है। आज भारत में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सब बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसमें मुख्य है बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापे की दिक्कत, जोड़ों का दर्द। ये सारी बीमारियां सुरसा के मुख की तरफ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आज इस भागती दौड़ती जिंदगी में आप एक मशीन बन चुके हैं। सुबह से शाम तक पूरा लाइफस्टाइल आपने बिगाड़ रखा है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है, क्या कम खाना है, ना सरकार सिखा रही है, ना हॉस्पिटल सिखा रहे हैं, तो आपको खुद सीखना होगा। इस प्रोग्राम के माध्यम से, जीना सीखो के माध्यम से, हम आपको, पूरे परिवार को जिंदगी भर इन बीमारियों से ठीक होकर कैसे स्वस्थ रहना है ये सिखाने आए हैं। सब रोगों को भगा लो, कष्ट मिटा लो, सब रोगों की एक दवा है दिव्य किट, दिव्य किट, दिव्य किट। दिव्य किट जो कि आपके शरीर को सभी रोगों से लड़ने में सक्षम बनाती है। दिव्य किट एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, छह बहुमूल्य चीजों का समावेश है। दिव्य किट में आपको मिलेंगी ऐसी बहुमूल्य औषधि व ऐसे सिस्टम जो आपको हर बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करेंगे। दिव्य किट का 40 दिन का कोर्स मात्र 4200 रूपए। मेरी ये वाइफ है नीतू सिंह, इन्हें काफी दिन से प्रॉब्लम रहती थी, सिर के दर्द थी, हाथ पैरों में सूजन थी, सिर का दर्द। 7 साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था, सिर में फ्रैक्चर हुआ था जिससे कि हड्डी टूट गई थी। तो काफी दिन का ट्रीटमेंट चला न्यूरो सर्जन से, उसके बावजूद इन्हें ऐसी आदत पड़ चुकी थी कि डेली दर्द रहने लगा सिर में, जिससे कि तीन से चार फ्लेक्सर की गोली डेली खाती थी जब इन्हें आराम होता था। एक दिन हम टीवी पर गुरु जी का प्रचार देख रहे थे, तो हमने क्या सोचा कि एक बार गुरु जी से मिल ही लेते हैं। तो हमने फ़ोन करा तो हमें मालूम हुई कि अपने पास में वसुंधरा है, वसुंधरा हम क्लिनिक पर गए, वहाँ से दवा ली। तो इन्होंने 40 दिन दवा खाई है और 40 दिन में ये रिजल्ट है कि पैरों में जो सूजन थी वो भी ख़त्म है, सिर के दर्द में भी 90% आराम है। हमें बहुत अच्छा लगा और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं संस्था के लिए और गुरु जी के लिए, और लोगों में से भी ये कहते हैं कि भाई गुरु जी की एक बार दवा जरूर लें। नाम क्या आपका? नाम मेरा सौगत अली है। और उम्र? उम्र 60 साल है। और क्या तकलीफ थी आपको? मुझे तकलीफ ये कि एक मेरे घोंटों में दर्द था, वो बंद हो गया। अब आप पेशेंट को दिखाओ इनको कि ये वज्रासन में बैठे हुए हैं। और एक मेरे यू रात को जब सो के उठाया यू सब खत्म हो गया, थोड़ा होता देखो, पेट फूला हुआ, पेट खत्म हो गया। इंशाल्लाह के मैं बहुत ही ज्यादा फायदा है, बिल्कुल दिव्य किट खाओ जी और दिव्य किट से ही फायदा हो। पूरा विश्वास है आपको? पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है, परहेज भी है। और इतना तो मैंने परहेज भी नहीं करा जब मुझे फायदा हो गया 100%। तो लोगों को कुछ कहना चाहोगे आप? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह इतने कहना चाहता हूँ कि दिव्य किट खावे जिस पे भी जो बीमारी है वो खत्म हो। दर्शकों आप खुद ही सुन लीजिए, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को ये दिव्य किट बोल चुके हैं, कम से कम 10 पेशेंट भी ला चुके हैं ये, जो इनके कहने पर हमारे यहाँ आए और उनको भी काफी फर्क पड़ा। तो आपसे सबसे गुजारिश है, जैसे इनको फायदा हुआ आप भी परहेज करेंगे, कहना मानेंगे तो आपको भी जरूर फायदा होगा। धन्यवाद। मुझे ज्वाइंट पेन थी बहुत ज्यादा 3-4 साल से। और क्या तकलीफ थी? और यूट्रस रिमूव होने के बाद ये प्रॉब्लम शुरू हुई। बाकी एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है और सिर दर्द भी होता है कई बार बहुत ज्यादा। अभी 1 मंथ ही हुआ और इससे मुझे काफी फर्क पड़ गया, और इसको लेने के बाद मेरे काफी मतलब लगता है कि एनर्जी आ गई है बॉडी में और तब से मैं चल फिर रही हूँ ढंग से। आप देश के लोगों को क्या कहना चाहोगे? यही कहूंगी कि आयुर्वेदा का इलाज करें और मनीष जी के यहाँ से इलाज करवाएं अपना। मुझे हार्ट में प्रॉब्लम है, मेरे नर्व जो है वो ब्लॉकेज है 3-4 जगह से, उस वजह से मुझे सांस बहुत प्रॉब्लम होती है। जब से मैंने दिव्य किट खाने स्टार्ट की मुझे 1 महीने में 60% फायदा मिला। 3 साल से गैस के प्रॉब्लम से एकदम परेशान थी, इतना परेशान थी कि हम हर ढंग से तबाह हो चुका था। उसके बाद मैंने टीवी के प्रोग्राम के माध्यम से जीना सीखो इनका प्रोग्राम देखता था पहले भी। मैंने विशेष बोलती थी कि वहाँ उनसे ही दवा मंगाएंगे, लेकिन मैं अपने उनकी बात न मान के अपने मन की बात किया, जो लास्ट में इनकी बात मान के वहाँ से हमने ऑर्डर देके दवा मंगाया। आज मेरी विशेष
80% आराम। सब रोगों को भगा लो, कष्ट मिटा लो, सब रोगों की एक दवा है दिव्य किट, दिव्य किट, दिव्य किट। हमारी संस्था ये दिव्य शक्ति और अलौकिक शक्ति नाम से एक किट तैयार करती है। किट के जो काम हैं वो शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियों को पुष्ट करने का है। शारीरिक शक्ति के अंदर तो हार्मोन की पुष्टि, रक्त की पुष्टि, रक्त जनन, शोधन और स्तंभन होता है। और दिव्य अलौकिक शक्ति में ज्ञान तंतुओं का, चेष्टा नाड़ियों की पुष्टि होती है, जिससे बुद्धि, नींद ठीक आना, हर चीज ठीक सोचना, हर विषय पर शुद्ध चिंतन करना, वो शक्ति इससे प्रदान होती है। ये दोनों शक्तियों का प्रयोग इस तरह से एक कायाकल्प कहा जा सकता है। कायाकल्प जो होता है वो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र सातु धातुओं को पुष्ट करने का नाम होता है। इनमें तीनों दोष और सप्त धातु, इन सबके शुद्धिकरण के प्रयोग में ये बेहतर अपने खरी उतरी। मेरा नाम ब्रजेश कुमार है, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से हूँ, तलवाड़ा टाउनशिप में पोस्ट ऑफिस में लगा हुआ हूँ, SPM हूँ मैं वहाँ पे। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले मैं गिर गया था पौड़ियों से, तो उसकी वजह से मेरे पीछे बैक में पेन होने लगी थी और धीरे धीरे ट्रीटमेंट भी करवाना शुरू किया। डॉक्टरों के पास गया, कहाँ मतलब एक जगह नहीं, मेरे ख्याल से कोई छोड़ा नहीं कहीं भी। तो फिर बेड पे देख रहा था टीवी, आपका प्रोग्राम देख रहा था और वहाँ से ही फ़ोन लगा दिया मैंने आपको। और फिर मैंने इधर आपके सेंटर जीरकपुर में शुरू किया ट्रीटमेंट अपना, और तकरीबन 20 दिन बाद, दवाई खाने के बाद 20 दिन बाद मेरे को आराम होने लगा, थोड़ा जहा मतलब महसूस होने लगा। और उसके बाद तकरीबन 3 महीने बाद बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या और उम्र क्या है? भरत भाई जसभाई पटेल, उम्र मेरी 56 साल है। आपको क्या तकलीफ है आज? आज मुझे एंजियोप्लास्टी करानी पड़ी है डायबिटीज शुगर की वजह से, और डायबिटीज शुगर में कम से कम 15-17 साल से शुगर का दवाई खाता था और 10 साल से BP का शुगर गोली खाता था। तो आप पूरे भारत की जनता को क्या सलाह देना चाहोगे? अभी आयुर्वेदिक में आप जाओ तो आयुर्वेदिक से आपका दवाई, आयुर्वेदिक की, उससे आपको अच्छी गारंटी मिलती है। अच्छा ये बताओ कि जो बीपी शुगर की गोली आप खाते थे, हाँ, अगर आपको उसी टाइम ये समझाया जाता कि बीपी शुगर होता क्यों है, कारण ठीक किया जाता, तो ज्यादा अच्छा था ना वो? हाँ वो अच्छा था। अब आप पूरा परहेज करोगे, कहना मानोगे? हाँ। तो आपको काफी हद तक अच्छा इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, ठीक है। आप देशवासियों को एक बार बोल दो कि मेरे को बीपी शुगर था, उसके बावजूद मैं चाय पीता था, और चाय छोड़नी होती है, चाय जहर है। चाय जहर है, उसमें रंग मिला हुआ होता है, वो नहीं पीनी चाहिए। मेरा पहले 88 किलो वेट था, 82 किलो रह गया। आयुर्वेदिक दिव्य किट मंगाई थी मैंने, और कब्जी की भी मेरी मुश्किल थोड़ी हल हो गई, और मैं इस संस्था का बहुत धन्यवाद हूँ। ये मेरी सास है, इनका नाम ओमकारी है, इनकी उम्र है 65 साल। इनको सांस की दिक्कत थी, फिर टीवी में मैंने देखा कि दिव्य किट बताते हैं जड़ से बीमारी को दूर भगाते हैं, फिर मैंने ऑर्डर करके मंगवाए ये दवाई, तो इनको आराम सा पड़ा, फिर ऐसे ही मंगवाते मंगवाते आप बहुत आराम पड़ा है। मैं तो यही चाहती हूँ भाई बहनों कि भाई आप भी अपनी जो भी प्रॉब्लम है, बीमारी है, जो भी है, अपनी जड़ से मिटाए दिव्य किट उपचार करके। ना मेरे को है ना पित्त में खतरी थी 8-9 साल से, वो थी 12 AB, और मैं नहीं फिरे तो मनीष जी का प्रोग्राम देखा टीवी पे, बात करी, एक किट बुलवाया, एक किट से मेरे को आराम हो गया, मेरे को बैठने उठने की बनने लग गई। भारत को यही मैसेज दूंगी कि सब लोगों ने ना अपने ये दिव्या किट खाना चाहिए, ये दवाई उनमें बहुत आराम है, और ये अंग्रेजी दवाई में कोई आराम नहीं। मनीष जी का इनका प्रोग्राम देख के मेरे को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि भगवान मेरे को जैसी दवाई लगती है ऐसी सब लोगों को लगे, सबको आराम पड़े, अच्छी है दवाई। तो आइए आज हमारे साथ जुड़िए, हमारी संस्था के साथ जुड़कर
दिव्य किट को अपनाइए। दिव्य किट एक आयुर्वेदिक औषधि है जो मोटापा, बीपी, डायबिटीज या कई अन्य पेट की बीमारियों का कारण बने शरीर में जमा पॉइजनस एलिमेंट्स को क्लीन अप करके आपके शरीर को रोग मुक्त करती है। दिव्य किट 3 चरणों में शरीर की शुद्धि कर उसे स्वस्थ बनाता है। पहले चरण में दिव्य किट की अलौकिक शक्ति टैबलेट सुबह 11 बजे और शाम 4 बजे लेनी है, जिससे इसमें शामिल जड़ी बूटियां आपकी मृत कोशिकाओं को पुनर्जीवित कर देती हैं। साथ ही आपका आमाशय पूरी तरह से साफ हो जाता है। इसके हफ्ते भर के इस्तेमाल से आपकी पाचन शक्ति नियमित होती है और आप खुद को ज्यादा हल्का महसूस करने लगते हैं। दूसरे चरण में दिव्य शक्ति पाउडर को रोजाना रात को सोने से पहले 1 चम्मच गर्म पानी में मिलाकर लें। इसमें शामिल जड़ी बूटियां प्रदूषित वातावरण और मिलावटी खान पान की वजह से हमारे शरीर में जमा टॉक्सिक एलिमेंट्स को मल मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देती हैं, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बैलेंस हो जाता है और आप दिन भर तरोताजा महसूस करते हैं। सितंबर 2017 को दिल्ली में हमारा मुल्तान नगर पश्चिम बिहार में फ्री चेकअप कैंप था, तो ये एक पेशेंट है जो हमारे यहाँ से 4 महीने से दवाई ले रहे हैं, 5वां महीना शुरू हो गया। मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ, ये खुद ही बताएंगे इनको क्या तकलीफ थी और क्या आराम है। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए। और मेरा नाम वीरमती भोगाट है। उधर देख के बताओ। मेरा नाम वीरमती भोगाट है, मैं हिमायूपुर सदन इनक्लेव से आई हूँ और मेरे बहुत ज्यादा बीमारी थी, जैसे शुगर था, बीपी था, थायराइड है, मेरा डिश थी, मेरे गर्दन में भी दर्द होता था, जो उसको जो कहते थे ये माइग्रेन का दर्द है, और ये मैं जो दवाई लेने लगी हूँ ना उससे मेरे बहुत काफी आराम आया है। मैं तो दोनों टाइम दवाई लेते लेते मनीष जी का धन्यवाद बोलती हूँ और जिन्होंने ये किट के बारे में मेरे को बताया उसका धन्यवाद करती हूँ। आपको शुगर कितनी रहती थी? मेरी शुगर रहती थी 450-500, मैं 3 बार मेरे अटैक आ चुका, मैं मेडिकल में 1-1 हफ्ते तक एडमिट रही हूँ। अभी पहले से बहुत ठीक हो? अब पहले से मैं बहुत ठीक हूँ। सभी मेरे बहन भाई है उनको ये दवाई खानी चाहिए, इससे उनका जीवन सफल हो जाएगा और मनीष जी का कोटि कोटि धन्यवाद। आप देश के लोगों को क्या कहना चाहोगे? मैं देश के लोगों को ये कहना चाहती हूँ सबने ये दिव्य किट अपनानी चाहिए। दर्शकों, मेन कहने की बात ये है कि एलोपैथी में पिछले कई सालों से दवाई, पिछले कितने सालों से दवाई खा रहे थे आप? कम से कम 20 साल से दवाई खा रही हूँ। देखो, अभी 20 साल से परेशान थे शुगर से, बीपी से, थायराइड से, मोटापे से, हमारे यहाँ सिर्फ 5वां महीना हुआ है दवाई खाते हुए, इनकी शुगर भी कंट्रोल है, बीपी भी कंट्रोल है, 9 किलो वजन भी कम हुआ है। अब दिव्य किट से कैसे ठीक हुए ये? क्योंकि दिव्य किट अकेली दिव्य किट नहीं है, दिव्य किट से इनको खाने पीने का सिस्टम सिखा रहे हैं, पूरा लाइफस्टाइल सिखा रहे हैं, एक्सरसाइज सिखा रहे हैं, और ये ऐसे दर्शक ही, ऐसे पेशेंट ही लोगों को एक लिए प्रेरणा बनते हैं कि जब हम ठीक हो सकते हैं तो आप भी ठीक हो सकते हो। तो आपने इनसे मिल लिया, ये दिल्ली की रहने वाली हैं और आज मेरा भी सौभाग्य है इनसे मिलने का, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर्स बैठते हैं, फ्री चेकअप करते हैं, वही पेशेंट्स मिलते हैं। और इसके अलावा ये बताओ, आपने अपने कितने लोगों को बताया इसके बारे में? जो भी लोग मेरे को मिलते हैं मैं उन्हीं को बताती हूँ कि दिव्य किट खाओ, ये इंग्लिश दवाई मत खाओ और खाओ जिनके साथ नॉर्मल खाते रहिए। आपका नाम क्या है और उम्र क्या है? सर, मेरा नाम दिव्य सिंह, उम्र मेरी 42 साल। क्या तकलीफ थी आपको? सर, शुगर थे बीपी। कितने साल से? 2-3 साल हो गए। कितने महीने दिव्य किट का इस्तेमाल किया? 40 दिन। 40 दिन इस्तेमाल करने के बाद क्या फायदा हुआ आपको? सर, शुगर भी कंट्रोल हुई है, बीपी तो काफी हद तक बिल्कुल ठीक ही हो गया और वेट मेरा 15 किलो कम किया। मतलब आप चाहते हो कि देश में आयुर्वेद फैले? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और आपको लगता है कि आयुर्वेदिक दवाइयां बीमारी को जड़ से खत्म कर सकती हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो मेरे नाम की 40 दिन से मैं कीता ना, इन्हें बहुत वधिया मैंने फायदा है, मैं कहना सारा फायदा होने चाहिए। मैं और अपने रिश्तेदारों भी कह रहा हाँ कि वह तो वह इनको यूज करो, अपने शरीर का ध्यान रखो, क्योंकि हस्पतालों के बहुत रश है, कोई फायदा नहीं होना सर हस्पताल। मेरे पास रोड एक्सीडेंट हुआ था 2014 में। उसके बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम आई? उसके बाद हमारे दर्द होने लगी, अकड़ होने लगी, लेकिन मैंने जब से दिव्य किट इस्तेमाल किया है मनीष सर का, तो अद्भुत चमत्कार है ये। पहले लेके मैं पहले चल रहा था, अब मैं जब से दिव्य किट इस्तेमाल कर रहा हूँ तो बिना डंडी के चल रहा हूँ मैं। केस वालों को मैसेज देना चाहेंगे कि मनीष सर ने जो आविष्कार किया है वो अद्भुत चमत्कार है, सारे देशवासियों को ये किट अपनानी चाहिए। डॉक्टर साहब, मनीष, मैं आपसे बहुत टाइम से मतलब प्रोग्राम आपका बहुत साल से देखती हूँ, लेकिन मेरा आज आपसे मिलने का बहुत अच्छा सौभाग्य मिला। तो मेरे को जो अनुभव है, वैसे मेरे को अनुभव पहले भी होते हैं, आज मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ और मुझे लगता है कि मेरी जो प्रॉब्लम है आज सॉल्व हो ही जाएंगी। चलो, थैंक यू। प्रॉब्लम लेकर के जो आई है,
अच्छा ये बताओ, आपने जो प्रोग्राम इतने टाइम से देखा है उससे आपने अभी तक सीखा क्या क्या है? सीखा यही कि एक तो देखिए लाइफस्टाइल तो मैं मतलब काफ़ी बेटर कर रखती हूँ, लेकिन आपसे जो है उस देख के प्रोग्राम और भी कुछ मतलब काफ़ी कुछ सीखा मेरे। लेकिन जो बाइट का आज सीखा ना वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, उस पर मैं ज़रूर अमल करूँगी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये कामना करता हूँ कि ये संस्था निश्चित तौर पर आगे भारत में पहले नंबर पर आएगी, देश विदेश में भी आएगी। चलो धन्यवाद। जब मैंने हाथों को रगड़ा और रगड़ के आंखों से लगाया उस समय मेरे को महसूस और शांति प्रतीत हुई, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। हमने टीवी पर देख रहा था सर रात को, तो नहीं पहले ये बताओ देख रहे थे कि सुन रहे थे? सुन रहे थे सर, सुन रहे थे। पहले देखते थे, आप नहीं दिखा दे रहा है तो हम सुन रहे थे सर। तो सुनने के बाद हमको लगा कि फ़ोन करूंगा, तो नंबर सुन के मैं फ़ोन मिलाया, फ़ोन लगाए सर। फ़ोन लगाने के बाद एक दिव्य किट अपने भाड़े बड़े भाइयों के लिए मंगाए हैं, जो कि शराब पीने के कारण उनका लीवर ख़त्म होने जा रहा था। तो दिव्य किट मंगाने के बाद खिलाने के बाद ऊपर हम बोले कुछ आराम हो रहा है भैया? बोला हाँ हमको तो ठीक लग रहा है, आपको इतना दिक्कत नहीं हो रहा है? तो हम बोले भैया तब हम जाते हैं। तो बोला हाँ जाके देखो, आपको भी शायद कुछ अगर ठीक हो जाए। सर कोई बात नहीं, आप हमारी डॉक्टर से किसे मिल लेना तो वो देख लेंगे। सर जी मैं पहले बहुत ज़्यादा चाय पीता था सर, लंच में हमें खाने को टाइम नहीं मिलता था सर। हमारी कंपनी सर आधे घंटे की लंच देती थी, 15 मिनट की लंच देती थी, हमसे मतलब हो नहीं पाता था। मैं चाय पी के पूरे पूरे दिन रह जाता था सर, उससे मेरी बहुत ज़्यादा गैसेज बनती थी सर, मेरा पेट खराब हो गया। अब कितने दिन से छोड़ दिया आपने? सर मैंने 1 महीने से छोड़ा है सर, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ है सर, मैं बयान नहीं कर सब रोगों को भगा लो, कष्ट मिटा लो, सब रोगों की एक दवा है दिव्य किट, दिव्य किट, दिव्य किट। आइए जाने ये दिव्य किट हमारे सभी रोगों पर कैसे काम करती है। हमारा शरीर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इन सातों धातुओं से बना हुआ है। हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। यदि ये दोष अपने स्थान से बढ़ जाएं या कम हो जाएं, तो रोगों की उत्पत्ति होती है। जब हम गलत आहार विहार करते हैं तो हमारे शरीर की पाचन क्रिया बिगड़ जाती है, जिस कारण हमारे शरीर में अपक्व रस बनने लगता है, जिससे हमारे शरीर के दोष बिगड़ते हैं और सातों धातु की वृद्धि और ह्रास होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और ये परम शुद्धि क्या है? परम शुद्धि एक हमारी संस्था की कई सालों की रिसर्च का एक साइंटिफिक फॉर्मूला है जो हमने डिज़ाइन किया, इसलिए कि हमारी बॉडी में जो 6 अरब कोशिकाएं हैं इनके अंदर जो गैसेस, जो केमिकल, जो बैक्टीरिया, वायरस कई सालों से जमा पड़े हैं वो निकालने हैं। और इसको इस ढंग से डिज़ाइन किया है, एक ऐसी रिसर्च करने के बाद डिज़ाइन किया है कि सुबह उठ के 3 बजे ही लेनी है और हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही लेनी है। इसका एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि मल के साथ ही हमारी बॉडी के अंदर जो भी भविष्य में कैंसर आना है, कोई और लीवर फेलर का कोई कारण आना है, कोई किडनी पे इफेक्ट आना है या कोई ट्यूमर बनना है, तो ऐसी ऐसी शुद्धियाँ, जमी हुई शुद्धियाँ निकाल देती है कि लोगों के आज बाईपास सर्जरियाँ हो रही हैं, उनको हार्ट अटैक पड़ रहे हैं। तो अगर पूरा भारत हफ्ते में 1 दिन 3 बजे उठ के इस परम शुद्धि वाले सिस्टम को अपनाए हमारी दिव्या किट के साथ, इससे बॉडी रिजुवेनेट हो जाए और रिपेयर हो जाए। तीसरे चरण में परम शुद्धि टैबलेट का सेवन आपको अलौकिक शक्ति टैबलेट और दिव्य शक्ति पाउडर के सेवन के 7वें दिन के बाद सुबह 3 बजे लेना है। पहले हफ्ते काली गोली लेनी है, जिससे बड़ी आंत, छोटी आंत, मलाशय में जमी बरसों पुरानी फंगस, बैक्टीरिया जैसी गंदगी पूरी तरह साफ होकर मलमूत्र के माध्यम से बाहर निकलने लगती है, जिससे आपको 3 से 4 बार वॉशरूम जाना पड़ता है। काली गोली के सेवन के हफ्ते भर के बाद सुबह 3 बजे पीली गोली लेनी है, जिससे आपका ब्लड, लिवर और नसें पूरी तरह से प्यूरिफाई हो जाते हैं। तो जरा भी देर मत कीजिए, अपने निरोगी खुशहाल जीवन के लिए स्क्रीन पर आ रहे नंबर्स पर अभी कॉल कर मंगवाइए दिव्य किट। अपना नाम बताओ और उम्र बताओ। मेरा नाम प्रजापति चंद्रकांत है, मेरी उम्र 35 इयर्स। आपको क्या तकलीफ है? मुझे मुंह में बहुत सारे छाले पड़ रहे हैं। कितने साल से? 6 साल से। 6। और दवाई खा रहे हो लगातार? लगातार दवाई खा रहे हैं। तो किस तरह की दवाई खा रहे हो? एलोपैथिक में वो गोली आती है जैसे। लेकिन 6 साल से ठीक नहीं हो रहे? नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। गोली बंद करता हूँ वापस शुरू हो जाता है।
अच्छा, गोली खाते हो ठीक रहते हैं? गोली खाने के बाद ठीक हो जाता है। और इतने साल दवा खाने से आपको क्या क्या नुकसान हो गया? तो पैरों में हड्डी में प्रॉब्लम हो गया, हिप रिप्लेसमेंट बोल रहे हैं डॉक्टर। यानी कि हड्डी का जोड़ घिस गया? हड्डी का जोड़ पूरी तरह से घिस गया। वो जो उन्होंने आपको दवाइयाँ दी, स्टेरॉइड्स दिए, केमिकल दिए, उसके साइड इफेक्ट आ गए? उसके साइड इफेक्ट। तो आपने अभी जो दिव्या किट का इस्तेमाल किया एक महीने, उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ? अभी मुँह में छाले काफ़ी कम पड़ गए हैं और अभी ठीक है, मुँह में इतनी परेशानी पहले जैसी नहीं है। यानी कि उनके 6 साल के इलाज में जो चीज़ ठीक नहीं हुई, उसमें आपको एक महीने में फ़र्क पड़ गया? 100% फर्क पड़ा। तो आप लोगों को क्या कहना चाहोगे? बस वही कहना चाह रहा हूँ कि आप यही एलोपैथिक पे मत जाओ, आयुर्वेदिक में उपचार मिल जाएगा आपको, और वो जो साइड इफेक्ट होते हैं वो बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। अब आपका तो खैर हिप जॉइंट बदलने के लिए बोल दिया। हाँ, हिप जॉइंट बदलने के लिए बोल दिया। आपको चलने फिरने में दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है, अभी तो पूरी तरह से चल नहीं सकता हूँ, व्हीकल नहीं चला सकता हूँ, बैठ नहीं सकता हूँ, खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ, ऐसा है। आपको लग रहा है कि जो अब आयुर्वेदिक इलाज शुरू किया आपने दिव्या किट के द्वारा, उससे आपको फर्क पड़ जाएगा? 100% फर्क पड़ जाएगा, उस विश्वास से ही मैं आया हूँ इधर, और पड़ जाएगा मेरे को। आप वहाँ से चल के आइए, अब आप खुद देख लीजिए, ये स्टेरॉइड्स खाने से इनका हिप जॉइंट बिल्कुल ख़त्म हो गया और डॉक्टरों ने इनका इलाज के लिए अब ऑपरेशन बता दिया। ये कुछ दिन पहले तक ये बिल्कुल नहीं चल पा रहे थे, जो अभी लगभग एक महीने की दवा लेने से, दिव्या किट लेने से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। आप पहले ही चलने में काफ़ी दिक्कत थी आपको? हाँ, बहुत दिक्कत थी। अभी दिव्या किट लेने के बाद कुछ सुधार है? सुधार है, ऐसा कर सकता हूँ। मतलब पूरे भारत को आयुर्वेद को अपनाना चाहिए, अपनाना चाहिए। ये एलोपैथी जो केमिकल युक्त दवाइयाँ देती है, उसे कितने साइड इफेक्ट हैं? बहुत साइड इफेक्ट होते हैं मेरे को, ये पूरा हिप रिप्लेसमेंट है। और वो देखते भी नहीं कि गरीब आदमी से कितना पैसा लिए जाते हो। क्या काम करते हो आप? सामान्य पेट्रोल पंप पे काम कर रहा हूँ। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल का काम करते हो, डालते हो, और आपकी कोई कमाई भी ज्यादा नहीं है? कोई नहीं है। और आपसे 2 लाख रुपए ऑपरेशन खर्चा बताया है, और 5 साल से लगातार आप दवाइयाँ खा रहे हो मुँह में छालों की, पेट खराब रहता था आपका, अब ठीक है ना? अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो दर्शकों, आप खुद देखो कि इस तरह हमें आयुर्वेद के माध्यम से ही देश को ठीक करना है। आपका नाम क्या है? सुनीता। क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे को घटिया वादी की प्रॉब्लम थी, और बस घटिया वादी की थी, हाथ को सूजन बहुत रहता था 4-5 साल से। अभी कितना आराम है दिव्या किट खाने से? दिव्या किट से आराम तो बहुत है, बस खाली इन्हीं आंगली नाम सूजन है, वो खत्म नहीं हो रहा है। अच्छा, पहले से आराम है आपको? हाँ, पहले से बहुत आराम। मुझे बीपी भी था और शुगर भी थी। बीपी कितने साल से था? बीपी 7-8 साल से चेक करा रहा था, गोली बिल्कुल रेगुलर खा रहा था। और शुगर? शुगर को भी 5 साल के करीब हो गए। डॉक्टर ने आपको क्या बोला था, ये गोली जिंदगी भर खानी पड़ेगी? हाँ, जिंदगी खानी पड़ेगी, जब तक आप जीवित हैं तब तक। तो अभी क्या हुआ, गोलियां बंद कैसे होगी आपकी? जब से दिव्या किट ली है उसके बाद से मैंने टेस्ट कराया रूटीन वे में, तो उसके अंदर डॉक्टर ने कहा आपका बीपी डाउन जा रहा है, आप गोली धीरे धीरे कम करें। पहले उसने आधी गोली करी वो देता था मुझे, फिर मैं महीने बाद चेक कराया तो उन्होंने फिर कहा जी आपका तो बीपी फिर बहुत लो जा रहा, आप गोली को बंद करके देखें एक हफ्ता। फिर एक हफ्ता टेस्ट कराया, कुछ उनको नॉर्मल सा लगा, फिर कह दिया आप गोली बंद कर दीजिए। अब कम से कम मुझे 7-8 महीने हो गए हैं उन्होंने गोली बीपी की बिल्कुल बंद कर दी है। और शुगर भी कंट्रोल है आपकी? शुगर भी बिल्कुल कंट्रोल है, और शुगर की दवाई बंद कर दी है डॉक्टर ने। आप देश के नागरिकों को आयुर्वेद के बारे में या दिव्या किट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको इस पर विश्वास करना चाहिए और आपको अवश्य ही इसका बेनिफिट मिलेगा। आपका नाम बताइए, उम्र बताइए। क्रिस्टी फेबी, 59 ईयर। आपको क्या तकलीफ थी? मुझे हार्ट प्रॉब्लम था, उसमें 3 ब्लॉकेजेस थे, थायराइड था, थायराइड करीबन मुझे 15 साल से। अच्छा, दिव्या किट का इस्तेमाल कितने महीने किया आपने? मैंने 6 महीना किया। ठीक है। मुझे हार्ट में जो 3 ब्लॉकेज थे वो 3 ब्लॉकेज निकल चुके, मेरा ECG एकदम नॉर्मल हो चुका है। आप देश के नागरिकों को आयुर्वेद के बारे में क्या कहना चाहोगे? जी, मैंने ये TV पर प्रोग्राम देखा और मैंने फ़ोन करके दवाई मंगवाई। 6 महीना दवाई खाने के बाद और उस दरमियान भी मुझे काम करने के लिए बहुत स्फूर्ति लगती थी, थकावट कम हो चुकी, अच्छे से खा पी सकती हूँ, और मेरा जो भी तकलीफ है उसमें मैं टेंशन फ्री हो गई। मुझे एसिडिटी थी और उसके वजह से
सिर में दर्द रहता था, उल्टियाँ खूब होती थी, कुछ भी खा पी नहीं पाती थी, खट्टा वट्टा कुछ भी नहीं खा पाती थी। ये मुझे 40 साल से लगभग था। फिर मैं अभी तो मैंने इनका जब से डिप किट शुरू किया हूँ तब से मैं चाय भी छोड़ दी हूँ और रात का दूध खाना छोड़ दी और मतलब रोटी दो रोटी खाती हूँ, खाना भी कम खाती हूँ, हल्का फुल्का। और तो मुझे बहुत स्टेमिना भी आ गई है और मुझे अच्छा लग रहा है। मत कि आप लोग आयुर्वेदिक की तरफ जाइए, एलोपैथिक मत करिए, उससे कुछ नहीं होता है। क्योंकि मैं खुद खा के देख ली हूँ, मेरा बीमारी रोज दवाई खाती थी तब ठीक रहता था, नहीं तो फिर तो भी हो जाता था कभी कभी। और दिव्या किट खाने से आपकी सारी दवा बंद है? सारी दवाई बंद, मैं तो कभी बंद कर दी, जब शुरू किया तभी से, अभी भी नहीं। और दिव्या उपचार संस्थान को क्या संदेश देना चाहेंगे? थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप लोगों को, सबको, दिव्या किट संस्था को, मनीष जी को और भी आपके सब डॉक्टरों का, जिसने जिसके रिसर्च से दवाई बनी है। सब रोगों को भगा लो, कष्ट मिटा लो, सब रोगों की एक दवा है दिव्य किट, दिव्य किट, दिव्य किट। मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी दुआएं हैं, कोई बीमार ना पड़े, किसी का ऑपरेशन ना हो, सब स्वस्थ रहें। मुझे आपके विचार बहुत अच्छे लगे और आपकी संस्था के उद्देश्य भी बहुत अच्छे लगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, खूब फले फूलें, लोगों का भला करें। आपके अंदर इंसानियत का मादा है और आप इंसानियत की इस तरह खिदमत करते रहें। थैंक यू। लीवर बदला जा रहा है, किडनी बदली जा रही है, कभी हार्ट के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, कभी यूट्रस रिमूव कर रहे हैं, कभी पित्त की पथरी के नाम पे पित्ता निकाला जा रहा है, बीपी, शुगर, थायराइड की केमिकल युक्त गोलियां जिंदगी भर खिलाई जा रही हैं। ये कोई इलाज थोड़ी है, आप बीमार होने ही क्यों दे रहे हो? जरूरत है बीमारी के कारण जड़ पर काम करने की। तो आइए हमारे साथ योग, मेडिटेशन व आयुर्वेद की रिसर्च के परिणाम दिव्य किट को अपनाइए और अपने पूरे परिवार को हर गंभीर बीमारी व ऑपरेशन से बचाइए। दिव्य किट, जो कि आपके शरीर को सभी रोगों से लड़ने में सक्षम बनाती है। दिव्य किट का 40 दिन का कोर्स मात्र 4200 रुपए। तो जरा भी देर मत कीजिए, अपने निरोग खुशहाल जीवन के लिए स्क्रीन पर आ रहे नंबर्स पर अभी कॉल कर मंगवाइए दिव्य किट। मेरा नाम अरुण कुमार शर्मा है, मेरी उम्र 47 वर्ष है और मैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 3-4 साल से शुगर की बीमारी से ग्रस्त था। ये शुगर मुझे जब शुरू में पता लगी तो ये शुगर फास्टिंग में 278 और खाना खाने के बाद 325 निकली। लेकिन मैंने पिछले 1.5 महीने से जब मैंने मनीष जी को इसको टीवी चैनलों पर देखा कि दिव्या किट को अपनाओ, दिव्या किट को अपनाओ, मैं रजनी जी के जो पंचकुला में या जीरकपुर में जो इनका दिव्या संस्थान है वहाँ पे आया और वहाँ मैंने देखा और मैंने वहाँ डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर को दिखाने के बाद जब मैंने उसकी दिव्या किट को मैंने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाया तो दिव्या किट खाने के 1-1.5 महीने के अंदर मेरा वज़न जो है, पहले तो वज़न मेरा 95 किलो था जो कि अब 85 किलो के करीब आ गया है। और दूसरा जो मेरे शुगर जो है मेरी, जो पहले 278 फास्टिंग रहती थी वो अब 80-90 के करीब, और जो 325 खाना खाने के बाद होती थी वो मेरी शुगर 110-120 के करीब रहती है। मैं भारत के लोगों से सभी से अनुरोध करूंगा कि अगर किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हैं तो दिव्य किट को या दिव्य संस्थान में आके डॉक्टरों को चेक करवाएं और दिव्य किट को अपनाएं, क्योंकि दिव्य किट को खाने से आप जिस रोग के लिए इस दिव्य किट को अपनाएंगे उसके साथ साथ जो आपके अंदर और रोग होंगे वो भी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। मेरा नाम सोनिया है और मैं मुंबई से मीरा रोड से आई हूँ और मनीष जी का प्रोग्राम मुझे टीवी में देखने को मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे जो मेडिटेशन और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में मेरा बहुत विश्वास है और मुझे लगता है इसी से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और एलोपैथी में मेरा ज़्यादा बिलीव नहीं है, मैं मेरी मदर के लिए पूछने के लिए आई हूँ और मैं अभी ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करने वाली हूँ और अपनी फैमिली को भी मनीष जी से मिलवाना चाहती हूँ और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। I am a case of diabetes, hypertension for the past 15 years. I have taken medicine from here, that is Dibya Kit. There was very, very satisfactory result within 30 days. All the investigation carried out after 1 month, SGOT, SGPT, creatinine, sugar fasting, blood pressure, everything was very, very satisfactory. मैं डॉक्टर मनीष को और उनकी संस्था को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, मुझे उनसे बहुत सारा फायदा मिला है, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जी हैं, इनका एक बहुत ही सीवियर केस है जो एलोपैथी में इट्स नॉट ट्रीटेबल और ये हमारे पास से 6 महीने से दवाई ले रहे हैं
और उससे उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ है, सिम्टम्स उनके काफ़ी रिकवर्ड हैं। और जो डिजीज़ है उनको वो है ITP, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जिसमें प्लेटलेट काउंट आपका डाउन चला जाता है, प्लेटलेट नहीं बनते हैं, उसकी कमी हो जाती है बॉडी में और आपकी इम्यूनिटी डे बाई डे कम होती जाती है और आपकी बीमारी से लड़ने की शक्ति बहुत ही लो हो जाती है। तो कैलाश जी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि इनको कितना इम्प्रूवमेंट आया मेडिसिन से और इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। हाँ जी, मेरे को पिछले साल अप्रैल में पहली बार चेकअप कराया था, उसमें प्लेटलेट 10,000 मात्र बताए गए थे और फिर मेरा एलोपैथिक ट्रीटमेंट चालू हुआ। प्लेटलेट बढ़ते गए, जैसे ही एलोपैथिक दवाई बंद करते वापस डाउन हो जाते, ऐसे कर लिया था आपने एलोपैथिक? एलोपैथिक करीब करीब 6 महीने तक लिया मैंने। उसके बाद चिकन स्पॉक बड़ी माता हो गई, उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया मैं, बहुत ज़्यादा डाउन हो गई हालत और बिल्कुल बेड रेस्ट हो गया था। फिर जैसे ही मैं डिविकेट का वो चालू किया, फिर मैंने एलोपैथी बिल्कुल दिसंबर में बिल्कुल बंद कर दिया। जी, मेरा नाम मोहसिन है और मैं यहाँ करीब सेंटा क्रूज से आया हूँ और मैं ये फ़र्स्ट टाइम मनीष जी का प्रोग्राम देख रहा हूँ। मैं यहाँ पे आया मेरी खाला के लिए, वो उन्होंने कई बार इनका प्रोग्राम देखे और उनकी वजह से ही मुझे ऐसा लगा कि एक बार जो है इनसे मिलना चाहिए, इनका प्रोग्राम देखना चाहिए। और वाकई में यहाँ आने के बाद मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, उनकी बातें सुन के मुझे ऐसा लगा कि इंसान के अंदर जो है हर चीज़ का तोड़ है, हर बीमारी का निचोड़ है और अगर आदमी चाहे तो खुद ही अपने अंदर जो है कोशिश करके अपनी बीमारियों के ऊपर काबू पा सकता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हर एक को जो है अपने ऊपर जो है कम से कम दिन में आधा घंटा पौना घंटा योगा करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। इससे जो है आदमी को पता चलेगा कि उसके अंदर क्या बीमारी है और वो किस तरीके से उसके ऊपर काबू पा सकता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरोज पांचाल है। कहाँ से आए हैं? मैं इंदौर से आई हूँ। क्या क्या प्रॉब्लम है? मेरे को बहुत सारी तकलीफ थी, माइग्रेन की बीमारी है, मेरे को किडनी एक है, हाथ पैर कमर जोड़ों में दर्द रहता है। अच्छा, पहले आप अंग्रेजी दवाई खा रहे थे? जी खा रही थी। कितने साल खाई है? मेरा किडनी का ऑपरेशन हुआ था और थोड़े साल खाई है पर उससे मुझे कुछ भी आराम नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद आपने फिर? फिर मैंने दिव्य किट खाई, टीवी पे प्रोग्राम देखा था जी, जी। मनीष जी का जी, तो उससे दिव्य किट मंगवाई। हाँ हाँ। अच्छा, कितना आराम आया उससे आपको? उससे मुझे बहुत आराम हुआ है और मैं सोच रही हूँ आगे भी खाऊंगी। अभी आपको आराम है? हाँ आराम है। और संस्था को क्या मैसेज देना चाहेंगे? संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और ये बोलना चाहती हूँ कि जो ये दिव्य किट अभी बनाई, अगर पहले बना देती तो मेरी किडनी बच जाती। मैं ये बोलना चाहूँ सबके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मनीष सर को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। क्या क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम मेरी लीवर में थी, गैस, एसिडिटी, खाना नहीं खा सकती थी और पाचन की तकलीफ थी। कब से प्रॉब्लम थी? 8 साल 10 साल। और पहले ट्रीटमेंट चल रहा था कोई आपका? हाँ, मेरी एलोपैथिक दवाई चल रही थी। अच्छा, तो उसके बाद आपने दिव्य किट का प्रोग्राम देखा? हाँ। कब देखा? मैंने 2-2.5 महीने पहले। अभी कितना दिन दवाई खा चुके हमारा? दिव्य किट खत्म किया और एक लीवर केयर का किट खत्म किया। ठीक है, तो उसके जो आपको प्रॉब्लम आई थी लीवर की, खाना पीना ठीक से नहीं हजम होना? खाना बहुत अच्छे से खा सकती हूँ, स्वाद भी लगता है, भूख भी लगती है, काम भी कर सकते हो। ठीक है, कितना आराम है आपको उसमें? आराम है, मैं मुझे अभी लगता है कि मैं आगे पूरा कोर्स करूंगी तो मेरा सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, इतना मुझे विश्वास है उसमें। आप संस्था को क्या धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं संस्था को यही धन्यवाद दूंगी कि एलोपैथिक दवाई से आप बचा रही है और लोग ये दवाई लेंगे तो 100% सबको आराम मिलेगा, अच्छा होगा। सब रोगों को भगा लो, कष्ट मिटा लो, सब रोगों की एक दवा है दिव्य किट, दिव्य किट, दिव्य किट। भारतीय वेदों में कहा गया है धर्मार्थ काम मोक्षणाम आरोग्यम मूलमुतमम, यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए इंसान का जीवन आरोग्य में होना आवश्यक है। इसीलिए हमारी संस्था ने एक ऐसी दिव्य किट का निर्माण किया जिससे पूरा भारत का हर व्यक्ति खुद ही स्वस्थ हो सकता है। दिव्य किट ऐसी बहुमूल्य जड़ी बूटियों और प्राकृतिक तत्वों का संग्रह है जो कोशिकाओं को आवश्यक पोषक पदार्थ पहुँचा कर अंगों को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाती है।
जिससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होता है और मेटाबॉलिज्म बैलेंस हो जाता है। आपका शरीर हर तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए सक्षम हो जाता है और आप रोग मुक्त और स्वस्थ जीवन जीने लगते हैं। प्रीवेकिट भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा प्रमाणित है। इसे ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त है और साथ ही इसे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के तहत बनाया गया है। दिव्यकिट किसी मॉल, इंटरनेट या मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध नहीं है। असली दिव्यकिट को केवल टीवी से ही ऑर्डर किया जा सकता है। दिव्यकिट का 40 दिन का कोर्स मात्र 4200 रुपए, घर बैठे। दिव्यकिट को ऑर्डर करने के लिए तुरंत फोन उठाएं और इस नंबर पर संपर्क करें। हम सबको क्या प्रॉब्लम है, हम लोग क्या तकलीफ आती है कि आप दवा खाते हो फर्क पड़ जाता है, थोड़े दिन बाद दवा छोड़ते हो फिर खराब हो जाते हो, यही है ना मोटी मोटी प्रॉब्लम। बीपी की गोली खा रहे हो तो बीपी कंट्रोल है, शुगर की गोली खा रहे हो शुगर कंट्रोल है, हमारी दिव्यकिट भी ले रहे हो तो थोड़े दिन फायदा हुआ, कुछ दिन बाद दोबारा तकलीफ भी हो गई, ऐसे भी लोग होंगे बीच में, तो वो क्या कारण है, क्या रीज़न है? क्योंकि देखो ना, जब तक आप सिस्टम, अपना सिस्टम नहीं ठीक करोगे तब तक ये चीज़ें चलेंगी, ठीक है? तो मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बताता हूँ कि कैसे आप लाइफ लॉन्ग कैसे फिट रह सकते हो। तो हम शुरू करते हैं सुबह से। सुबह सुबह आप उठते हो, ठीक है, सुबह उठते ही आपको एक क्रिया करनी है, वो मैं आपको भी सिखा देता हूँ, जो आपको बिस्तर पे ही करनी है। 2 मिनट की एक्सरसाइज होगी जिससे चश्मा नहीं लगता जल्दी से, आपकी आईसाइड वीक है वो इम्प्रूव होती है, प्लस आपका ब्रेन सेल्स वगैरह एक्टिव रहते हैं। अभी हम लोग जो गलतियाँ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर हम 3 खाने खाते हैं। ये जो 20वीं सदी चल रही है और 21वीं सदी का हम इंतजार कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं तनाव की सदी। मानते हो ना सब ये लोग? हाँ जी, ये जो सदी चल रही है इसको क्या बोलते हैं, तनाव की सदी। और अगली सदी जो आने वाली है वो भी तनाव से भरी हुई आएगी, भरी हुई आएगी। तो क्या अभी से तरीका ना सीख लें कि अगली सदी और इस सदी में हम ठीक रहें? इसीलिए प्रोग्राम का नाम रखा था जीना सीखो, क्योंकि जीना सीखो में क्या आ रहा है कि आप हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, शरीर के हिसाब से, पैसों के हिसाब से, अपने परिवार के हिसाब से, सब जगह पे संतुष्ट रहो, ठीक है? हाँ जी बताइए। मैं अरुण कुमार हूँ, मेरी वाइफ की एज है 27, ठीक है, और उनका लगभग 4 महीने पहले हमें पता चला कि उनकी दोनों किडनियाँ फेल हो गई हैं और उसका क्रिएटिनिन लेवल 9.6 है। आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? 1.5 साल हुआ है, और डॉक्टरों से हमने दिखाया 3-4 जगह हॉस्पिटल्स में, तो उन्होंने सबने रिकमेंड किया है कि उनको ट्रांसप्लांट के लिए ही रिकमेंड किया। नहीं, डायलिसिस शुरू हो चुका है उनका? डायलिसिस शुरू हो चुका। कितने है? चलते हैं हफ्ते में? हफ्ते में पहले 3 शुरू हुए थे, अभी अल्टरनेट डेज पे, और अब जो है उनका वीक में 2 बार डायलिसिस चलता है। अभी तक आपको किसी ने भी बताया कि किडनियां फेल हुई क्यों है उनकी? नहीं, मैंने यही जानने की पूरी कोशिश की तो डॉक्टर कहते हैं कि इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं बता सकता, कि बीपी की वजह से भी हो सकता है, हाइपरटेंशन या शुगर, इन तीनों में से कोई एक रीज़न रहता है, इसी में से होता है। लेकिन अब जो है आप इस चीज़ पे फोकस मत करो कि किस वजह से हुआ है, अब आप ये चीज़ फोकस करो कि कैसे इसको ठीक करना है। अगर आप फोकस नहीं करोगे तो कल को बाकियों की भी फेल हो जाएंगी। मैंने यही चीज़ डॉक्टर से, हर एक से मेरा यही क्वेश्चन रहता है कि ये हुआ किस वजह से, क्योंकि अगर हम कल को ट्रांसप्लांट करवा भी लें और उसी वजह से 5 साल मुश्किल से चलेगी, फिर फेल हो जाएगी, मुश्किल से 5 साल चलेगी। अभी तक मेरे को आज लगभग 18 सालों में एक पेशेंट मिला जिसकी 8 साल चली है, बाकी 3, 5, 7 साल में सबकी दोबारा फिर फेल हो जाती है, फिर डायलिसिस शुरू हो जाता है। तो क्या चेंज कराना सॉल्यूशन है? नहीं, वो इसीलिए हमने जो है साथ साथ आयुर्वेदिक दवाइयों का भी ट्रीटमेंट शुरू किया उनका 2-3 महीने से लगभग, तो उसमें हम दवाइयाँ उनको दे रहे हैं, पर थोड़ा सा किडनी की साइज जो श्रिंक हो गई थी उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई है। सर, मेरे को 10-11 साल से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है और 8 टैबलेट रोज की इंग्लिश टैबलेट, और सर बीच में 4 महीने छोड़ दी थी तो 3 महीने तक इतनी खराब हालत रही कि मैं या तो रोती थी या सोती थी, बार बार सुसाइड करने का मन करता था। और सर ये प्रोग्राम मैं आपका 1 महीने से देख रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं आपके आपके ट्रीटमेंट को पूरा पूरा फॉलो करूँगी। सर मेरे को ये बताइए कि मैं कितने दिन में नॉर्मल हो जाऊँगी? सबका ये सवाल है, मेरी किडनी कितने दिन में डायलिसिस बंद हो जाएगा, मेरी हार्ट की ब्लॉकेज कितने दिन में खुल जाएगी, मेरा ये कितने दिन में सही सॉल्व हो जाएगा, मेरा वो कितने दिन में ठीक हो जाएगा, ये सवाल का जवाब हम कैसे दें आप बताओ? चलो आप 8 साल से बीपी की गोली खा रहे हो, उससे तो सवाल पूछते नहीं हो, 9 साल से शुगर की गोली खा रहे हो, उससे तो कुछ पूछते नहीं हो, वो तो कहते जिंदगी भर खाओ, और हम आपको बोल रहे हैं सिर्फ 40 दिन या 80 दिन या 120 दिन परहेज करो, कहना मानो, फ़ायदा
अगर आपको 40 दिन में फायदा मिलता है तो आप आगे चलो ना। आप पूरी ईमानदारी से हर चीज को फॉलो करो, एक्सरसाइज को भी, नियम को भी, व्यायाम को भी, उसके बाद आपको अपने फायदा होगा। आपका खुद दिमाग एक्टिव होगा, खुद कहेगा कि 2 महीने में मैं छोड़ दूंगा। जी हमसे मत पूछो ये सवाल, हमें बड़े फोन आते हैं, आप गारंटी दे दो, आप गारंटी दे दो, पैसे वापस दे दो। अरे भैया हम लोग कैसे कर दें, आप लोगों को कैसे गारंटियां दे दें? आप लोगों को गारंटी दे देंगे, आप तो उल्टे काम करना शुरू कर देते हो। अच्छा एक बात बताओ, गुरु नानक देव जी ने बोला था अंधविश्वासों में मत पड़ो, ठीक है ना? लोगों ने सारे अंधविश्वास छोड़ दिए, छोड़ने चाहिए ना। अब बिल्ली रास्ता काटती है, लोग रास्ता रुक जाते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, मेरा रास्ता काट दिया, मैं तो और स्पीड से गाड़ी चलाता हूं, वो अंधविश्वास है। लेकिन जो व्रत रखे जाते हैं क्या वो अंधविश्वास है? जो व्रत रखे जाते हैं वो शरीर की शुद्धि के लिए रखे जाते हैं। मुसलमान लोग रोजे रखते हैं, जैनी लोग चलिए रखते हैं, हिंदू लोग नवरात्रे रखते हैं, तो वो साइंटिफिक है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, व्रत का चरत बना दिया, फलानी थाली। उस दिन फोन आएगा, सर फलानी कोल्ड ड्रिंक पी ले, आम से बनी हुई है, पी लो भैया, हमें क्या है, मरो। तो भैया आप टिकते क्यों नहीं हो? क्या 7 दिन 8 दिन 9 दिन परहेज नहीं कर सकते आप लोग? आप लोग पता क्या चाहते हो, कि हम कोई जादू की पुड़िया दे और आप ठीक हो जाओ? तो भैया वो जमाना तो है नहीं कि चिराग घिसेगा जिन प्रकट होगा, क्या हुक्म है मेरे आका। वो होता था ना कॉमिक्स में आता था हमारे, अब तो एक ही सृष्टि है वो परमात्मा। आप लोग उससे भी ढंग से अटैच नहीं हो, उसको भी आप लोगों को ढंग से उससे भी मांगना नहीं आता। जब किसी चीज के साथ जुड़ते हो, किसी दवाई को लेते हो, तो एक काम तो कर सकते हो, विश्वास। लेकिन उस दवाई के अंदर जो नियम है, जो परहेज है, जो बातें हैं, वो पूरी तरह पकड़ कर अपनाओ, फिर उसके बाद देखो कितना फायदा होता है। मेरा नाम सुल्तान है सर, गांव नागपुर, जिला फतेहाबाद हरियाणा में। मेरे साइड में सर झटके लगते थे, मैंने काफ़ी दवाई खाई, नहीं ठीक हुआ। एक दिन मेरे मिसेज आपका प्रोग्राम देख रहे थे, तो उन्होंने मुझसे बिना बताए ही ऑर्डर कर दिया आधी पैकेट। तो मैंने 40 दिन खाई, धीरे धीरे जैसे जैसे मैं खाता गया झटके बिल्कुल लगभग बंद हो गए। तो भी थोड़ा बहुत दर्द सुबह शाम तक थोड़ा बहुत दर्द हो जाता है, और ये कभी कभार थोड़ी सी बोलने में जैसे वाइब्रेशन सी होती है, बाकी बिल्कुल ठीक है। पहले से एक फायदा हुआ है ना? बहुत ज्यादा फायदा हुआ सर, जोर से क्लैपिंग करो। चाय मैंने बिल्कुल बंद कर दी, और ये जो ठंडा वगैरह ये लेता ही नहीं कभी। मुझे पहले से काफी फर्क है, पहले मेरे हाथ पैर कांपते थे, तो अब उसमें काफी फर्क है मेरे को। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 45 है। आप उसके लिए पहले कोई दवाइयां खाते थे? हाँ जी। तो अभी दवाइयाँ कम हुई हैं कुछ पहले से? अभी तो मतलब साथ साथ चल रही है अभी दवाई, लेकिन फायदा होना शुरू हो गया। हाँ जी। कितने दिन हो गए दवा खाते हुए आपको? 5 महीने हो गए। मतलब आपको पहले से काफी अच्छा आराम है? हाँ जी। एक बार जोर से क्लैपिंग करो। सर मेरे को ना 5 साल से ना बड़ी शुगर से मैं बहुत परेशान था, कम से कम 500 मेरी शुगर रहती थी। तो अब आके यहाँ से ट्रीटमेंट कराया, उससे मेरे को 2 महीने के अंदर बहुत रिलीफ मिली। लेकिन 5 साल के अंदर मेरी आई साइट इतनी ख़राब हो गई कि दोनों आँखों के ना मेरे को लेंस डलवाने पड़े जी। अब जो यहाँ से ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ ना जी, इससे मेरे को इतना फ़र्क पड़ा है कि मेरी आँखों की रोशनी दोबारा आने लग गई। नहीं लेंस डलवाने के बाद भी मेरे को बड़ी दिक्कत आ रही थी जी, मैं इतनी प्रॉब्लम आ रही सर, मैं ऐसे अपनी बीमारी से इतना तंग हो चुका था जी कि भाई मैं मर जाऊँ। घर वाले ने टीवी के ऊपर देख के ना जी फिर यहाँ पर लेके आई मेरी मिसेज यहाँ पर, भाई अब लास्ट बार हम चलते हैं आपके पास। उस दिन से मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। तो अभी पिछले महीने में ना सर मैंने दवाई ली, मेरा शुगर बिल्कुल कंट्रोल है जी, मतलब खाली पेट मेरा 105 है, खाना खाने के बाद 155 है। मेरा नाम कुलदीप सिंह है जी, और मैं सहारनपुर से आया हूँ जी। क्या क्या तकलीफ थी आपको इससे पहले? मेरा हार्ट वाली प्रॉब्लम थी जी बहुत ज़्यादा मुझे, और शुगर लगभग 15 सालों से है मुझे। ठीक है, और अब हार्ट वाली प्रॉब्लम भी ठीक है और शुगर वाली। शुगर की दवाई पीछे कितने साल से खा रहे थे आप? शुगर की दवाई लगभग 15 सालों से खा रहा हूँ। और इंसुलिन कितने साल से लगा रहे थे? लगभग 4 साल से इंसुलिन बराबर ले रहा हूँ। 4 साल से इंसुलिन सुबह शाम लगा रहे थे। कितने यूनिट इंसुलिन लगता था रोज? लगभग 20 यूनिट सुबह शाम का, दो बार मिला के, या सुबह एक टाइम में 20 यूनिट लगता था? 20 सुबह 20 शाम को। 20 सुबह और 20 शाम को इतना इंसुलिन आपको लगता था जी। अब इंसुलिन लेना आपने कब से बंद कर दिया है? इंसुलिन लेना तो लगभग
तो मैंने डेढ़ महीने से बंद, डेढ़ महीने से आपने टोटल इंसुलिन बंद कर दिया है। कोई अंग्रेजी दवाई खा रहे हो अब? मैं अंग्रेजी दवाई कोई नहीं दे रहा हूँ। और मीठा खा रहे हो अब? कभी कभी ले लेता हूँ। और फिर अब कितनी आ रही है आपकी शुगर? शुगर लगभग नॉर्मल आ रही है 130-135। खाने के बाद? खाने के बाद भी इतनी आ रही है आपकी आजकल? देशवासियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ जी, जैसे मैं खुश हुआ इस तरह दवा खा के आयुर्वेदिक की, इस तरह ही दवा मतलब इधर उधर ना भटक के दवा इस तरह की लेनी चाहिए। मेरा नाम सुशीला है, मैं नामली से, और तकलीफ तो मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ था, जैसे भी सिर में दर्द था, सिर में दर्द जैसे माइग्रेन की दिक्कत थी और गैस बनती थी, फैटी लीवर था, और यानी कि हिम्मत मैं हार चुकी थी बिल्कुल, जीना चाहती नहीं थी बिल्कुल भी। और जीना सिखा प्रोग्राम से मैं जुड़ी, टीवी में देखा प्रोग्राम, तो मैं तब से उनके बाद जैसे भी शुरू में देख ली, उसके बाद यहीं से इलाज कर चला मेरा जीना सिखा प्रोग्राम से। तो मैं तो यही चाहूँगी सभी दर्शकों को भी सब जीना सिखा प्रोग्राम से जुड़े और भी यहीं से अपना इलाज करवाएं। मेरे को तो 100 में 80% आराम हो चुका है। धन्यवाद। मैं आप सब दर्शकों को एक बार दोबारा बता देता हूँ, जैसे ये मैंने आपके एक पेशेंट से बात कराई, ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं हमारे पास जो अलग अलग बीमारियों के लिए, अलग अलग तकलीफ के लिए आते हैं। हमारा जो मकसद होता है वो बीमारी पर नहीं होता, बीमारी हुई क्यों, ये तकलीफ क्यों चल रही है, फैटी लीवर है तो क्यों है, एसिड बन रहा है तो क्यों है, सिर दर्द है तो क्यों है, ये बहुत सालों से दवाइयां खा रहे थे, लेकिन हम लोगों ने इनकी बीमारी के कारण पर काम करा। आज 4-5 महीने को दवाई लेते हुए हैं और 80% ठीक है। मैं तो कोटि कोटि प्रणाम करती हूं गुरुजी का, धन्यवाद। मैं देखो भगवान के रूप में जैसे उतर के आया हूं। कहां से आप आए हैं भैया? डिस्ट्रिक्ट जालौन से। डिस्ट्रिक्ट जालौन, उम्र कितनी आपकी? 47 वर्ष है। क्या तकलीफ थी हमारे यहाँ पे जो फोन किया था आपने? लीवर प्रॉब्लम थी, डायबिटीज थी, हेपेटाइटिस सी था। कितने महीने दवाई खाई है आपने? दवाई ये 4 महीने दिव्या किट का इस्तेमाल किया है। अभी क्या क्या फायदा हो गया? फायदा इस समय लीवर प्रॉब्लम खत्म है और हेपेटाइटिस सी खत्म है, नॉर्मल हो गया। हाँ, ठीक है, डायबिटीज कंट्रोल में है। 47 वर्ष की उम्र सर्वेश कुमार जी हमारे पास आए हैं और इनको जो तकलीफ थी मैंने बता ही दिया कि इनको तकलीफ थी हेपेटाइटिस सी की, लीवर ख़राब है इनका प्लस शुगर है, और 3 महीने की दवाई से हेपेटाइटिस सी इनका नॉर्मल आ रहा है और प्रॉब्लम भी इनकी बिल्कुल कम है, और ये पहले से चुस्ती फुर्ती भी फील कर रहे हैं, एक्टिव भी फील कर रहे हैं और पहले से बेटर भी फील कर रहे हैं। कहाँ से आप आए हैं? आगरा से। उम्र कितनी आपकी? 68 साल। क्या तकलीफ थी आपको? पैरों में जकड़न थी। और क्या दिक्कत थी इसके अलावा? चलने फिरने में बड़ी दिक्कत थी। अच्छा, चलने फिरने में भी दिक्कत थी। तो हमारे यहाँ से संपर्क कैसे हुआ आपका? मेरी बेटी टीवी देख रही थी तो उनके जो संदेश मिला तो आपसे फोन से कांटेक्ट किया उन्होंने। अच्छा, हमारी संस्था में फोन किया जी। तो फिर उसके बाद दवाई मंगवाई आपने? फिर दवाई मंगवा ली। ठीक है, तो क्या फायदा हुआ, कितने दिन दवाई खाई आपने? अभी एक सेट में अभी 2 दिन बाकी है। अभी मतलब 38 दिन दवाई खाई है आपने जी, और 38 दिन में क्या बेनिफिट हुआ आपको? मतलब दोनों पैर चलने लगे। एक बार चल के दिखाइए आप। इसके अलावा और क्या क्या फायदा हुआ आपको? और पेट बहुत गड़बड़ रहता था। अच्छा, तो वो चूना है जो उसमें? हाँ, दिव्य किट के अंदर जी जी, उससे फायदा हो उससे गया, बहुत फायदा हुआ। नहीं, देश के नागरिक तो आयुर्वेदिक पूरा भरोसा 100%। कहाँ से आप आए हैं? मैं वैसे रहने वाला तो मिर्ज़ापुर का हूँ, मैं 6/3/25 आगरा से आया हूँ। अभी आप आगरा से आए? अभी आप आगरा में हैं? आगरा में। आपने किस तकलीफ के लिए हमें संपर्क किया था? मेरे तो कई रोग थे, प्रोस्टेट थे, हार्ट का भी था, पेट का प्रॉब्लम था, बॉडी पेन था, आँखों में पानी आना, नाक में पानी आना, मुंह में पानी आना। मैंने अभी जो कहे 40-42 दिन दवाई खाई है। दिव्या किट। क्या क्या फ़ायदा हुआ उससे? उससे एक तो पेट साफ हुआ। अच्छा, बॉडी में हल्कापन भी महसूस हुआ। ठीक है, नींद भी ठीक आ रही है। ओके, जो सवेरे उठने की क्षमता नहीं थी अब सवेरे उठता भी मैं जल्दी हूँ। अच्छा, इसके अलावा खुराक भी बढ़ी है मेरी, खान पान की डाइट भी बढ़ चुकी है। ठीक है, आपको क्या दिक्कत थी? मुझे ये थी कि मेरा पेट तना तना रहता था। हाँ, और उसके बाद मेरे हाथ पैरों में चैटी चलती थी, चलने फिरने में चक्कर आते थे। हाँ, जैसे 10 कदम चलती मेरे पैरों से नहीं चला जाता। तो अभी आपकी दिक्कत में कितना आराम है? अब मुझे इतना आराम है कि मैं ज़्यादा नहीं तो 15-20 मिनट में चली जाती हूँ, फटाफट आ जाती हूँ, बाजार से दुकान से सब्जी ले आती हूँ, घर आ जाती हूँ। चक्कर भी बंद है मेरे, जलना हाथों पैरों में जलन भी बंद है,
और नींद भी अच्छी आ रही है मुझे, पूरी रात नींद नहीं आती लेकिन अब अच्छी नींद आ रही है। चलो दिव्या किट अच्छी है, मैं तो जितना भी उपचार होगा वो सब यहीं कराऊंगा मैं, जो जैसा भी होगा, अपने अपना भी, पत्नी का भी, बेटे का भी। ओके। मैं 2 महीने से दिव्या किट यूज कर रही हूँ, मुझे 4-5 साल से सारी बॉडी पेन, पेट में दर्द, सर में दर्द और सारी चीज़ों में प्रॉब्लम थी, और 2 महीने से दिव्या किट यूज़ कर रही हूँ और सारी चीज़ों में मुझे फ़ायदा हुआ है। यही चाहती हूँ कि सब खाएं और स्वस्थ रहें। मेरा नाम संजय है। कहाँ से आए हैं आप? सूरजपुर से। क्या क्या प्रॉब्लम था आपको? मुझे कुछ बाजू में गांठ थी और जुकाम की प्रॉब्लम थी। कब से प्रॉब्लम थी आपको? पिछले 1 साल से। उसके बाद आपने क्या किया? हमने यहाँ दिव्या उपचार करवाया। फिर क्या खाया आपने दिव्या उपचार में? दिव्या किट वगैरह जैसे। कितने दिन खाई है? 1 महीने कोर्स। उसमें आपको कितना फर्क आ गया है? बहुत, 70%। बहुत। कहाँ थी आपके गांठ? बाजू में थी सर। दिखाइए जरा, ये पहले गांठ थी आपके? हाँ जी। और अभी? अभी बिल्कुल ठीक है। ये दिव्या किट खाने से बिल्कुल ठीक है? हाँ जी। और भारत के देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? भी यही, दिव्या से उपचार कराएं, दिव्या किट खाएं। हाँ जी। और संस्था को क्या धन्यवाद देंगे? संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, चंद्र विहार, नांगलोई लिलोटी गांव के पास में पड़ता है मेरा घर। एक्चुअली क्या था कि एक दिन ये मेरे शरीर में श्वास की प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से है, कम से कम 12-13 साल से है, और मैं मेडिकल ट्रीटमेंट भी करीबन 10-12 साल से करा रहा हूँ। तो अचानक मैं घर पे बैठा था 12-1 बजे तक, खाना खाने गया था घर पे, तो अचानक ये डॉक्टर साहब मनीष जी का ऐड आ रहा था टीवी में, तो ये देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद मैं इतने पैसे बर्बाद कर रहा हूँ हॉस्पिटलों के अंदर, क्या नूँ मैं एक बार इनसे जाके मिल लूँ या इनके हॉस्पिटल में जा करके इंक्वायरी करूँ क्या ये चीज़ है। तो सर मेरे को उसी में टीवी में नंबर आ रहे थे, मैं इसी नंबर पे फ़ोन किया, तो ये दिव्या किट मैंने मंगा लिया। दिव्या किट खाया सर मैंने, एक महीना, ये 42 दिन का कोर्स है, ये मैंने खाया तो मेरे को काफ़ी राहत मिला है। और इस दिव्या किट से देखिए हर इंसान ठीक हो सकता है अगर इसको सही तरीके से लिया जाए और सही उपचार से इसका नियम किया जाए, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मुझे पूले की तकलीफ थी, एलोपैथिक में गया, वहाँ कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ऑपरेशन बताया था, लेकिन जीना सीखो से मुझे फ़ायदा हो गया है। मैं मनीष जी का और उनकी टीम का धन्यवाद करता हूँ। पहले सीढ़ियाँ नहीं चलता था, अभी मैं दौड़ सकता हूँ, इसलिए मैं भारतवासी से गुजारिश करूँगा, ऑपरेशन कोई ये नहीं है, बिना ऑपरेशन के सब कुछ हो सकता है। जीना सीखो से एक बार संपर्क कीजिएगा, मनीष जी से संपर्क कीजिएगा और आप ये दवाई लीजिएगा। मैं मनीष जी का और उनकी टीम का धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम पूजा उमले है। मुझे यूट्रस में फाइब्रॉइड था और बहुत तकलीफ थी, तो काफ़ी मैंने दवाई किया, तो डॉक्टर बोल रहे थे कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो दिव्या किट मैंने मंगवाया, तो दिव्या किट से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। उससे 3 महीना मैंने दवाई लिया, तो उससे मेरा फाइब्रॉइड ख़त्म हो गया, तो 100% आपको रिलीफ होगा, ये मैं अनुरोध करती हूँ देशवासियों से। तो अभी मैं बहुत ठीक हूँ और अच्छा महसूस कर रही हूँ और हेल्दी। मेरे को लीवर का प्रॉब्लम था। कितने साल से? 1 साल से। क्या प्रॉब्लम हुआ था आपको? आप इसके साथ बताएंगे क्या तकलीफ थी इसको? इसको पहले चिकनगुनिया हुआ था। कितने टाइम पहले? 1 साल पहले। तो क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद दवाई लिए, दवाई लेने के बाद में थोड़ा फर्क पड़ गया, लेकिन उसके बाद में वापस एडमिट किया था। ठीक है। नोबेल हॉस्पिटल में, वहाँ से निकालने के बाद में उन्होंने बताया कि किडनी का प्रॉब्लम है, आपको पुणे में बताना पड़ेगा। ठीक है। पुणे में दीनानाथ मंगेशकर में हमने उसको बताया, लेकिन वहाँ पे भी बताया कि इसका लीवर का प्रॉब्लम है, लीवर ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब लीवर खराब हो गया? लीवर खराब हो गया है। ठीक है। तो हम लोगों ने फिर वो दवाई वहाँ पे बंद कर दी, 1 महीना वहाँ पे इलाज हुआ, लेकिन हमने वो चीज़ वहाँ से बंद कर दी, डिस्चार्ज लिया, और आपका जो प्रोडक्ट है हमें मालूम पड़ा कि भाई ये दिव्य किट यहाँ पे वापरने से ये फ़र्क पड़ेगा, तो हमने वो किट वापरना चालू करे। उसके बाद में हमको 4 महीने में बच्चे का 50% तक तो फ़र्क गिर गया है, क्योंकि उसको उठना भी नहीं होता था और बैठना भी नहीं होता था, हमें उठाना पड़ता था और बिठाना भी पड़ता था। अच्छा एक बात बताओ, जब आप इसको हॉस्पिटल से लाए थे या लेके गए थे, तब इसको कितनी दिक्कत थी उस टाइम पे? लेके जाने के बाद में बहुत थी और लाने के बाद में भी, हमें गारंटी नहीं थी कि हम लेके जा रहे तो हम क्या हालत में लेके जा रहे। इसके पैर कितने सूजे हुए थे उस टाइम पे? आज की जो कंडीशन में उससे दुगना थे। मतलब आज इसके जो पैर हैं
वो लगभग नॉर्मल पैर है नॉर्मल, और जबकि और भी थोड़ा साइज बड़ा हुआ था, और जबकि पहले इसके पैरों में इस तरह उंगली लगाते थे उंगली अंदर जाता तो पूरी उंगली अंदर जाता क्योंकि पूरे पैरों में शरीर में पानी भरा हुआ था। अभी भी बेटा टी शर्ट उठाना ऊपर, अभी भी इसका पेट फूला हुआ है क्योंकि लीवर फेल के केस में पानी भर जाता है। तो मैं सभी दर्शकों से भी बोलना चाहूंगा कि इस तरह के केस में एकदम ट्रांसप्लांट के लिए तैयार मत हो जाया करें। आप इसके पिताजी हैं? हाँ जी। आपके हिसाब से आयुर्वेद में कितना दम है? बहुत ही, और हमने अपने टीवी पे अपना देखा था इसलिए बहुत अंधेरे में तीर चलाया हमने और वो सक्सेस हो गया, तीर सही ठिकाने पे लग गया एकदम सही। आप इसकी मम्मी हैं? हाँ। आपके कितने बच्चे हैं? एक। इकलौता ही बच्चा है, और कोई इकलौते बच्चे को तकलीफ हो जाए कितनी परेशानी होती है। तो सर अभी क्या बात है, ये रात रात भर सोते नहीं है, रात भर सोना ही नहीं है उनको, नींद क्या चीज है मालूम नहीं है, और वो तो होटल में काम करने वाला आदमी है। सर 7 लाख रुपए खर्चे करके उसको एक टक्का भी फायदा नहीं हुआ, लेकिन आपकी दवाई से उसमें 4 महीने में आपको उसको फर्क गिरा। आप सब लोग, आप भी साथ आए हो, आप सब लोग देश के लोगों को आयुर्वेद के बारे में क्या कहना चाहते हो? एक नंबर आयुर्वेद, जब से प्रोडक्ट हमने चालू करे हमारे दोस्त के बच्चे को, तो उनके फैमिली ने वो प्रोडक्ट चालू करने से उनके फैमिली में ऐसा लग रहा है कि भाई चेंजिंग आ गया है वो बच्चे को देख के। मैं तो उनकी फैमिली बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, दीनानाथ मंगेशकर में जब एडमिट करे थे तो वो बच्चे की हालत देख के वो दोनों खुद जान देने को तैयार हो गए थे कि भाई हमारा बच्चा बचने वाला नहीं ना, क्योंकि बच्चा इकलौता है ना, इकलौता बच्चा था। और जब उसको वहाँ से हमने घर पे लेके गए, टीवी पे देख के जब आपका प्रोडक्ट उसने चालू किया, तो मतलब ऊपर वाले कर्म से उनका मतलब सब अच्छा हो गया, मतलब अभी तो 50% फर्क हो गया और बच्चा भी अच्छा है हमारा। लेकिन इसके आगे भी कि भाई हमारा ऐसा एक बोलना है आपके प्रोडक्ट से कि भाई बच्चे को तुम्हारे तरफ से भी कुछ मतलब हेल्प कर, नहीं हमसे जो हो पाएगा हम करेंगे, हम दवाई के मामले में करेंगे, परहेज के मामले में करेंगे, बस आपकी ड्यूटी है कि जो परहेज बताएं, जो कहना बताएं वो पूरा मानना। और हम तो खुद चाहते हैं कि मेरे पास सुबह से ऐसा तीसरा बच्चा है ये। अच्छा चलो, बस भगवान का, अल्लाह का, परमात्मा का शुक्र है कि हमारा बच्चा, तू भी देश के लोगों को बोल दे क्या करना है, आगे से परहेज करेगा। हाँ, पूरा ठीक हो गए, तेरा दोबारा इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, करूंगा। चलो ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद। मेरे को तो बहुत ही तकलीफ थी, दवा करती थी तो भी मुझे कुछ आराम नहीं था, आपकी दवा से मेरा शरीर कम हो गया, मुझे गैस टेबलेट भी कम हो गए, और शरीर तो इतना मेरा कम हो गया, इतना कम हो गया, मेरा 100 किलो वजन था, अभी मेरा 74 हो गया मेरा। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या फायदा हुआ हमारी दवा खाने से? आपकी दवा से तो कोई बोल भी नहीं सकती इतना फायदा मेरे को हुआ है, और आप भी दूसरी बार भी मैं दवा लेने के लिए आई हूँ, और दवा और चालू मैं करूँगी, जब तक मैं जिंदी रहूंगी तब तक आपकी दवाई से ही जीऊंगी मैं। सब रोगों को भगा लो, कष्ट मिटा लो, सब रोगों की एक दवा है दिव्य किट, दिव्य किट, दिव्य किट। मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी दुआएं हैं, कोई बीमार ना पड़े, किसी का ऑपरेशन ना हो, सब स्वस्थ रहे। जीना सीखो, ये कार्यक्रम संस्था गॉड ग्रेस फाउंडेशन की ओर से चलाया जा रहा है। संस्था का उद्देश्य है कि भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक का कोई भी गैर जरूरी ऑपरेशन ना हो, साथ ही हमारी भारतीय जनता कार्यक्रम जीना सीखो के माध्यम से अपने कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी जैसे शुगर, बीपी, मोटापा, कमर दर्द, अस्थमा, जोड़ों का दर्द, पेट के रोग, लीवर खराब, किडनी फेल आदि किसी भी बीमारी की दवा ना खानी पड़े और ना ही ऑपरेशन करवाना पड़े। हमारी संस्था की ये कोशिश है कि हर व्यक्ति को उसका डॉक्टर खुद बना दिया जाए, ताकि देश का करोड़ों रुपया जो हर साल एलोपैथिक दवाइयों पर खर्च होता है वो ना हो। अगर आप या आपका अपना कोई किसी भी गंभीर बीमारी से परेशान है तो दिव्य किट मंगवाएं या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हम दिव्य शक्ति का रोज इस्तेमाल करते हैं, इससे हमें बहुत लाभ हुआ है, आप सब भी इसका इस्तेमाल करिए और लाभ प्राप्त करिए। जय दिव्य शक्ति। हम आपके स्वस्थ सुखी जीवन की कामना करते हैं। मैं मनीष, दिव्य उपचार संस्थान की तरफ से भारत सरकार के हेल्थ मंत्रालय व सभी मंत्रालयों से एक अपील करना चाहूंगा, हम सब लोग ये चाहते हैं कि भारत में आयुर्वेद को योग को मेडिटेशन को बढ़ावा दिया जाए, ताकि देश का जो हजारों करोड़ रुपया विदेशों में जा रहा है केमिकल युक्त दवाइयों के नाम
पे, वो रुकना चाहिए, तभी हमारा भारत स्वस्थ बन सकेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप हमारे क्लिनिक्स पर भी विजिट कर सकते हैं। अभी कॉल करें 01762535251 जीरकपुर चंडीगढ़।